देखिए आज के टाइम पे अक्सर पिछले एक दो महीने से ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पास खासकर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्री डीपीएच पुंछ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो जम्मू में है पुंछ में है सॉरी वहाँ पे ऐसे स्ट्रे या अबैंडन हॉर्सेज जिसको बोलते हैं लावारिस घोड़े आ रहे हैं जिनकी कभी किसी की टांग कटी हुई है या किसी की बहुत ज़्यादा इंजरीज हो चुकी हैं जिसकी वजह से उनके वोंड्स बहुत ज़्यादा ये जख्म बहुत ख़राब हो गए हैं उसकी वजह से उन पर कीड़े पड़ना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जानवर अगर लावारिस रहेंगे तो उनकी देखभाल प्रॉपरली नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अल्टीमेटली दे विल कोलैप्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर कोई ऐसा कोई भी ओनर बेनिफिशियरी फार्मर है जिसके पास घोड़ा एज ए डोमेस्टिक एनिमल है जिससे वो काम लेते हैं जिससे अपनी रोज़मर्रा की अपनी जिसको बोलते हैं अपनी गुजर बसर करते हैं अगर एक टाइम के बाद अगर एनिमल की एज हो जाती है जिसकी वजह से वो काम में नहीं आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जानवर को घर से बाहर निकाल दें। अब देखिए जैसे इस घोड़े की हालत देखिए कितनी ख़राब हो चुकी है टांग पूरी जो उसका बोन है टोटली टूट चुकी है कंप्लीट फ्रैक्चर है जिसकी वजह से अब इसका रिपेयर का चांसेस बहुत जिस मैं कह सकता हूँ कि वह ना के बराबर है ये पूरी एम्पूटेट यानी टांग काटनी ही पड़ेगी। तो अब एक तरह से ये एनिमल जो है ये लावारिस लाचार हो चुका है क्योंकि तीन एनिमल पे हॉर्सेस का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके लिए फिर प्रॉपर उसकी मतलब पूरी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है तीन टांगों पे हॉर्सेस के लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो आज के टाइम पे इस एनिमल का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया अनलेस एंटल कोई इसका केयर टेकर होगा जो भी मालिक हैं इस घोड़े के जो ये एनिमल रखते हैं अपने घर के अपने गुजर बसर के लिए फाइनली जब उसका यूज़ करना बंद कर देते हैं तो वो इनको घर से बाहर निकाल देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आजकल आप देख रहे हैं कि गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है किसी वजह से किसी गाड़ी ने हिट कर दिया होगा या किसी भी बड़ी बाइक ने हिट करके इसको छोड़ दिया होगा। हालांकि ट्रीटमेंट करने के लिए कोई आगे नहीं आया है इसको ऐसे बंडन छोड़ दिया गया है अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो आज नहीं तो कल इसकी जान जाएगी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से एक सबसे रिक्वेस्ट या अपील करूँगा कि आप अपने एनिमल्स को जिनसे आप इतना काम लेते हैं जिससे आप अपना गुजर बसर करते हैं कृपया उनको ऐसे इस मोड पे आके उनका साथ मत छोड़ें क्योंकि इन्हीं की वजह से आपकी घर की रोजी रोटी चली इनकी वजह से आपके बच्चे भी पढ़ते हैं या आपका फैमिली चलता है। तो आप इनकी सर्विसेज लेके आप इनको अबैंडन मत करें नहीं तो ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली एक पब्लिक न्यूसेंस भी हो जाती है और एक ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स की बेसिस पे बोला जाए तो ये बहुत बड़ा सबके लिए भी एक बहुत बड़ी गलत बात है। सबसे पहले अमीन जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी हम जिस लोकेशन में खड़े हैं ये मोहल्ला डूंगस का जो शमशान घाट है हम उसके अंदर में हैं। अभी इससे तकरीबन एक घंटा पहले हमारे किसी भाई ने जो है वहाँ पर इस घोड़े को बाहर देखा कि जो कि इसकी टांग बिल्कुल टोटली डैमेज हो चुकी है। उसी तुरंत हमारे एडवोकेट भानु जी हैं वो अभी जम्मू में हैं यहाँ पूंछ में नहीं है। जम्मू से उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया कि जुगल जी आप कहाँ हो तो आप शमशान घाट पहुँचे डूंगस वाले में यहाँ पहुँचा गेट खुलवाया और घोड़े को हमने अंदर किया और डॉक्टर की टीम हमारे से पहले पहुँच यहाँ पर थी अवेलेबल थी। मैं डॉक्टर की टीम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ में ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कह देना चाहता हूँ कि जो हमारे 2017 के बीच डी साहब ने यहाँ पर एक टीम बनाई थी उसके बाद जो हमारे नए डी साहब आए हैं यासीन चौधरी जी उन्होंने तकरीबन आते ही यहाँ पर जो है डॉग्स और अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर जो है मीटिंग ली थी कि हम इनकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे वार्ड नंबर 16 वार्ड नंबर 1 में 10 में कितने घोड़े हैं किन घरों में घोड़े हैं कौन घोड़ों का प्रयोग कर रहा है और कौन इनकी कमाई खा रहा है। आज देखिए कि आज के इस युग के बीच हर फैसिलिटी हमारे पास है हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हम जो है फ्रंट फुट पर आने के लिए जो है तैयार नहीं है। लेकिन मेरे सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश है कि जिन्होंने इस घोड़े की कमाई खाई है और उसके बाद अगर घोड़े ने आधे रास्ते के बीच उसकी टांग में प्रॉब्लम होगी या कुछ भी हो गया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद क्या कि वो मेन रोड पर आ गया किसी गाड़ी की टक्कर लगी बाइक की टक्कर लगी पहले पुंछ की जो रोड है वो कंजेस्टेड है ट्रैफिक जो दिन दिन बढ़ रही है। तो ऐसे कई घोड़े जो हमारे जो है पिछले देखा कि आपने 20-25 दिन पहले हमने एक घोड़ा जो है यहाँ से जम्मू रेफर किया है उसमें हमारी एक बहन थी भानु जी और हमारी पूरी टीम थी जो घोड़ा जम्मू पहुंचा और अभी वो घोड़ा जो है उसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है और वो कैंप्स के बीच है तो वो घोड़ा जो है अभी फिट है। और अभी ये जो आज हमारे पास ये दूसरा घोड़ा जो हमें बाहर से मिला है हमने उसको अंदर किया है आपने भी देख लिया आपने वहाँ पर कवरेज भी लिया डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू लिया है और मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि हमें जिसकी हम कमाई खा रहे हैं और हम उसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है और आने वाले समाज के बीच में इसका बहुत गलत मैसेज आता है। तो हमें उस ऊपर वाले से डरना चाहिए जिसने हमें पैदा किया और जिसने इसे पैदा किया इसको पैदा किया हमारी रोजी रोटी के लिए और हम इसको आधे रास्ते में आधी जिंदगी में छोड़ रहे हैं ये बहुत दुख की बात है। मैं कड़ी शब्दों से इसकी निंदा करता हूँ और मेरी डीसी पुंछ से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो है इमीडिएटली जो है एक दो दिन के बीच यहाँ पर एक मीटिंग बुलाएं और उसके बीच जो है रजिस्ट्रेशन का काम करें म्यूनसिपैलिटी के जो चेयरमैन उनको भी साथ बुलाएं देखें कि वार्ड नंबर कितनी वार्ड है हमारी पुंछ में 17 वार्ड है किस किसने घोड़ा रखा हुआ है उनकी घोड़ों की एंट्री हो 2 हैं 4 हैं जिसने घोड़ा
घोड़ा बिक्री किया वो भी आके एंट्री कराए, और जिसका घोड़ा अगर घोड़े में कोई परेशानी है या भैंस गाय में कोई परेशानी है वो भी एंट्री कराए। ऐसे रोड के कुछ होने से जो है वो अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ा गलत मैसेज आता है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये बेजवान चीज़ है, बोलनी पा रही है, लेकिन जो अभी इसको कष्ट हो रहा है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, इसकी टांग जो है अभी कुछ 10-15 मिनट के अंदर डॉक्टर की टीम पहुंची हुई है यहाँ पर, वो ऑपरेशन चलेगा, इसकी टांग काटनी पड़ेगी, उसके बाद जो है इसको पट्टी वगैरह वो स्टिचिंग वगैरह लगाई जाएगी। लेकिन बड़े दर्द की, बड़े दुख की बात है कि दर्द हमें हो रहा है, लेकिन जिस मालिक ने इसकी रोजी रोटी खाई है, बच्चों को पढ़ाया है और अपना घर बार चलाया है, बिरादरी की भी उसने इस घोड़े की वजह से जो है उसने इमेज बनाई है, आज वो घोड़ा जो है यहाँ पर डुंगस के शमशान घाट के बीच उसका जहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो शख्स सामने आने के तैयार नहीं है। हम जिनको पूछ रहे हैं, हमें मालूम है कि इसी 200-300 मीटर एरिया के अंदर ही है वो घोड़े का मालिक यहाँ पर रह रहा है, लेकिन हमें पहचान नहीं हो रही है, वो घोड़ा भी जो है उसी इलाके में घूम रहा था। लेकिन दुख से ये कहना पड़ता है कि जिसने इसकी रोजी रोटी खाई है उस ऊपर वाले से, मेरे राम से, अल्लाह ताला से, वाहिगुरु का वो है, उसको थोड़ा डर होना चाहिए कि मैंने भी एक दिन संसार से जाना है। आज इसकी ये हालात है, इस कंडीशन में आज हम इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि डी साहब जो है इमीडिएटली एक्शन करेंगे और टीम बनाएंगे, और टीम के तौर पर जो है एक यहाँ पर जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी, ताकि जो है हमें ढूंढने में आसानी हो, और जिसका घोड़ा जिसने इस्तेमाल किया, जिसने कमाई खाई है, हम उसको भी ढूंढ सकें, उसके घर तक पहुंच सकें। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।